गया आप देख सकते हैं, और पूरा टायर फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से हम गोवा की राइड यहीं पे रोकना पड़ रहा है हमें। हमारे साथ एक और डिजास्टर हो गया है, मेरे फ्रेंड की बाइक का रिम बेंड हो गया आप देख सकते हैं, और पूरा टायर फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से हम गोवा की राइड यहीं पे रोकना पड़ रहा है हमें। अब आगे कंटिन्यू हम नहीं जा सकते, बाइक यहीं खड़ी है और हम पंचर वाले का वेट कर रहे हैं। पंचर वाला आएगा क्या बताता है, अब देखते हैं ये रिम बैंड जो है वो फिक्स होता है कि नहीं। अगर रिम बैंड फिक्स नहीं हुआ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया लग रहा है। यहाँ पे कोई आसपास में कोई बड़ा मैकेनिक का शोरूम या दुकान नहीं है, तो हम लोग पास ला के डाल नहीं सकते हैं। अभी क्या होगा कुछ पता नहीं, अभी तो रात के 9 बज रहे और हम लोग ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर जाना था गोवा के लिए, लेकिन ये खड्डे में जाने का रिम बैंड हो गया है, तो अब बहुत मुश्किल होने वाला है आगे का राइड। तो अभी बने रहिए, देखते हैं मैकेनिक आने वाला है, मैकेनिक आने के बाद क्या बोलता है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। बगा था क्या क्या कर सकता है, तो रिम सीधा नहीं होगा, तो तुम्ही करून देणार का? तो कोण करणार? गोवा चाललो आम्ही, किती किलोमीटर असणार इथे? 4-5 किलोमीटर सकाळी कुठे भेटणार? सकाळी मग गडीनेला मिळणार की तुम्हाला गडीनेला? किती लांब आहे इथून? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर? हा 5 किलोमीटर वाला पण उघडतो जरा असा पाहिजे की सर, पंचर दुकानाकडे नसते हो सर? हा बरोबर, मशीनवर पाहिजे करावी सर, प्रेस करावी। तुम्ही आता मला कधी करून देणार असं काय होते सर? मला तरी अवघड वाटत आहे, ट्राई करूया। मतलब सुबह हम लोग को 16 किलोमीटर ये बाइक लेके जाना पड़ेगा रिम सीधा करने के लिए। देखो अभी जो भी है अभी कुछ नहीं हो पाएगा, तो अभी हम लोग को यहाँ होटल लेके स्टे करना पड़ेगा, और सुबह हम लोग जाएंगे निपानी। यहाँ से है 16 किलोमीटर, 5 किलोमीटर निपानी जाएंगे यहाँ से 5 किलोमीटर। वहाँ होंडा का शायद कोई शोरूम है, वहाँ पे हम लोग उसको ट्राई करेंगे स्ट्रेट करने के लिए। कुछ नहीं होगा अभी, होटल कावेरी में हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे, उसके बाद वहाँ सामने लॉज है, वहाँ हम लोग घूम लेंगे और स्टे करेंगे। बहुत स्ट्रेजेड दिया आज, बाइक पंचर, बारिश, सुबह निकलते ही बहुत ही ज़ोरदार बारिश, क्या क्या मुसीबत लेके हम गोवा जा रहे हैं और पहुँच नहीं पा रहे हैं। देखते हैं गोवा पहुँचते ही कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड का बाइक का रिंग, फ्रंट रिंग डैमेज हो गया था, उसकी वजह से टायर का हवा निकल गया और हम लोग आगे का राइड कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हम लोग ने वहाँ पास एक लॉज में रूम लिया है और हम लोग नाइट में स्टे करेंगे यहाँ, और सुबह मॉर्निंग में बाइक रिपेयरिंग के लिए हम जाएंगे। तो ये है रूम, देख सकते हैं ये मिरर है, कपड़ है, और ये बेड, बेड काफ़ी बड़ा है, 3 लोग हम लोग आराम से सो जाएंगे। और
एक कपड़े यहाँ पे हम लोग कपड़े रख सकते हैं, विंडो है और एक बालकनी भी है, काफ़ी बड़ी बालकनी है, यहाँ पे हम लोग चिल कर सकते हैं। तो ये बालकनी भी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी है, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन नेक्स्ट टाइम दिखेगा। और ये है रूम, तो दैट्स इट, हम लोग रेस्ट करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे, सुबह बाइक का काम करेंगे और गोवा राइड कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लुक एट द व्यू फ्रॉम द बालकनी ऑफ द रूम। ये रात को मैं दिखाना भूल गया था, ये देखिए हमारी बाइक वहाँ पार्क है, देख सकता है मैंने बाइक वहाँ पार्क किया था रात को। और देखिए यहाँ से बालकनी से व्यू क्या है, रात को पता नहीं चल रहा था कुछ क्या ऐसा व्यू है क्या है, लेकिन अब भी बहुत सही लग रहा है, देख सकते हैं। और वो वहाँ पे माउंटेन्स भी है लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है, पेड़ों को ऐसे, लेकिन मुझे दिख रहा है, मोबाइल में नहीं आएगा, बहुत अच्छा है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग नहा के ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे और बाइक का काम करेंगे। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं, हमारी बाइक यहाँ लगी है, दो बाइक और आई है, एक ये क्लासिक है और एक हिमालयन है, केएल लिखा आई थिंक, केरला की होगी शायद, ये लोग जा रहे हैं गोवा। तो ये है, हम लोग यहाँ पे सामान पैक करेंगे, बाइक पे अपलोड करेंगे, बंजी कॉर्ड से बांधेंगे, फिर यहाँ से हम निकलेंगे। और एक बाइक का भी काम कराना बाकी है, जो ये थंडरबर्ड 350X है उसका आगे का रिम बेंड हो चुका है, अभी तक वो फिक्स नहीं हुआ है, हम लोग को भी मैकेनिक ढूंढना है, इसको फिक्स करना है, फिर आगे का राइड कंटिन्यू करना है। और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है बाइक रिपेयर कराने में, उसके बाद।